नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर्द, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। पटना हाई कोर्ट की तरफ से जिला जज के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 30 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पटना हाई कोर्ट की तरफ से जारी वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2023 से शुरू होगी। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 20 जनवरी 2024 तक का मौका मिलेगा। इसमें आवेदन फॉर्म में फोटो अपलोड करने की लास्ट डेट 27 जनवरी 2023 है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि भारत में सरोगेसी उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के दंपति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। दंपति ने दान सरोगेसी को प्रतिबंधित करने के लिए सरोगेसी अधिनियम में संशोधन के लिए जारी की गई केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्पकर्णा की पीठ ने कहा कि सरोगेसी नियमों में बदलाव अदालतों के कहने पर हुआ है। बिहार के सभी शिक्षक अपने स्कूल के 15 किलोमीटर की परिधि में अथवा प्रखंड मुख्यालय में ही अपना आवास रखेंगे, ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में असुविधा नहीं हो और पढ़ाई भी सुचारू ढंग से हो सके। इसके लिए सभी शिक्षकों को 31 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया है। 31 जनवरी 2024 तक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक यह शपथ पत्र देंगे कि उन्होंने स्कूल के 15 किलोमीटर अथवा उस प्रखंड मुख्यालय में अपने आवास की व्यवस्था कर ली है और वह वहीं रहते हैं। ऐसा करने के बाद ही शिक्षकों को फरवरी माह का वेतन भुगतान किया जाएगा। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बुधवार दोपहर को एक बड़े उल्लंघन के बाद संसद परिसर को विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया है। दर्शक दरगाह में मौजूद दो लोगों ने पिला धुआं निकाल और एक ने अध्यक्ष की कुर्सी की ओर जोर से भागा। सुरक्षा में सेंध के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल का नया रूप दिया गया। सांसदों, स्टाफ, सदस्यों और प्रेस को अलग अलग एंट्री गेट आवंटित किए गए हैं। जब आगंतुकों को वापस जाने की अनुमति दी जाएगी तो वे चौथे द्वार से प्रवेश कर सकेंगे। विजिटर्स पास जारी करना अभी सस्पेंड कर दिया गया है। देश के प्रख्यात अभिनेता अनुपम खेर 21 हनुमान मंदिरों पर एक श्रृंखला बनाई है, जिसे सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। अपने इस प्रयास के माध्यम से वे उन मंदिरों के बारे में देश दुनिया को बता रहे हैं, जिनकी कुछ अनूठी धार्मिक मान्यताएं हैं। इसी क्रम में उन्होंने पटना जंक्शन स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर पर बनाए गए एपिसोड को भी शेयर किया है। इसमें पटना हनुमान मंदिर के बारे में उन्होंने पूरे विस्तार से चर्चा की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में उपलब्ध है। इसके साथ ही अनुपम खेर इस श्रृंखला को प्रचारित प्रसारित करने की भी अपील करते हैं। पूरी दुनिया आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही है। बढ़ती महंगाई केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बन गई है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार चीन में डिफ्लेशन की स्थिति पैदा हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण कमजोर घरेलू मांग और उसमें धीमी पड़ी इकोनॉमिक रिकवरी को बताया जा रहा है। नवंबर में चीन में उपभोक्ता कीमतों में 3 साल में सबसे तेज गिरावट देखने को मिली है। उपभोक्ता महंगाई दर नवंबर 2022 और अक्टूबर 2023 के मुकाबले 0.5% तक गिर गया है। अगर आपसे ये कहें कि पटनाइट्स अगले 2 साल के अंदर ड्रोन टैक्सी से शहर भ्रमण करेंगे तो सुनकर आश्चर्य लगेगा। दुनिया की कुछ चुनी हुई कंपनियां इस बार काम कर रही हैं। इनमें से एक है पटना के स्टार्टअप विमानिका एयरोस्पेस, जिसने आईआईटी पटना की मदद से ड्रोन टैक्सी का निर्माण किया है। संस्था के सह संस्थापक सर्वजीत ने बताया कि ड्रोन टैक्सी तकनीकी रूप से पूरी तरह से तैयार है। सरकार की ओर से अनुमति मिलने पर शहर में से लॉन्च किया जाएगा। अनुमति की प्रक्रिया में तकरीबन 18 से 24 माह का वक्त लग सकता है। इसके अलावा संस्था की ओर से एग्रीकल्चर ड्रोन और डिफेंस ड्रोन भी तैयार किए गए हैं, जो सेना को युद्ध के दौरान काम आएगा। राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे और सर्द हवा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मध्यम कोहरे का सितम हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 1 या 2 स्थानों पर गुरुवार की सुबह छाया रहा और यह कोहरा शुक्रवार को भी रहेगा। इस घने कोहरे का प्रकोप त्रिपुरा के भी 1-2 स्थानों पर शुक्रवार को देखा जाएगा। भोजपुर, पटना और गया के रास्ते दिल्ली से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन का सपना भविष्य में पूरा होने वाला है। इसे लेकर एरियल सर्वे के बाद अब धरातल पर सामाजिक सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिहार में जो रूट जारी किए हैं उसके मुताबिक बक्सर के बाद आरा के उदवंत नगर, पटना और गया में स्टेशन बनने वाले हैं। बुलेट ट्रेन रूट का एरियल सर्वे हो चुका है और अब सर्वे एजेंसी पिछले 2 दिनों से इसके रास्ते में पड़ने वाले भोजपुर के विद्यमान ढांचा सर्वे का काम कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के नतीजों को लेकर अपडेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड बी ऑफिसर के कुल 291 पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न चरणों में आयोजित की गई चयन प्रक्रिया के अंतिम नतीजे की घोषणा कर दी है। बैंक द्वारा ग्रेड बी फाइनल रिजल्ट बुधवार 13 दिसंबर 2023 को जारी की गई। इसके साथ ही बैंक ने इस भर्ती के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए थे, वे अंतिम रूप से सफल घोषित उम्मीदवारों की सूची में अपना रोल नंबर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर देख सकते हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में बीजेपी बड़ा दांव खेलने जा रही है। बीजेपी राज्य के करीब 50 लाख लोगों को अयोध्या दर्शन के लिए ले जाने वाली है। बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों से श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाने की प्लानिंग है। इसकी शुरुआत अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व के एजेंडे पर अपना वोट बैंक मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। सीरीज में बराबरी के लिए टीम इंडिया को यह मैच जीतना ही होगा। इसके लिए भारतीय गेंदबाजों को अपने प्रदर्शन में काफी सुधार करना होगा। जाहिर है चयनकर्ताओं की नजरें अगले साल इस प्रारूप के वर्ल्ड कप के लिए सही संयोजन तलाशने पर भी लगी है। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। अकबेढ़ा में दूसरे T20 में टीम ने गवाया और अब सीरीज बचाने के लिए उसे अब उम्दा प्रदर्शन करना होगा। शेयर बाजार भले ही अनिश्चितताओं का कारोबार है, इसमें कौन सा शेयर निवेशक को फर्श से अर्श पर पहुंचा दे और कौन झटका देते हुए धराम कर दे कहा नहीं जा सकता। कम समय में जोरदार रिटर्न देते हुए अपने निवेशकों को मालामाल करने वाले तमाम शेयर बाजार में मौजूद है, जिसमें से एक है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी यानी IREDA का शेयर, जिसका हाल ही में लिस्टिंग हुई है और इसने 15 दिनों में ही पैसे लगाने वालों की रकम 3 गुनी कर दी है। पब्लिक सेक्टर की इस कंपनी IREDA के शेयर में लिस्टिंग डे के बाद से ही शानदार रैली देखने को मिल रही है। हॉलीवुड मूवीज में अपने अक्सर रोबोट को इंसानों के लिए काम करते हुए देखा होगा। इसी बात को एलन मस्क आने वाले समय में सच साबित करने वाले हैं। दरअसल उनकी कंपनी टेस्ला ऑप्टिमक्स रोबोट पर काम कर रही है, जिसे AI से और बेहतर बनाया जा रहा है। पहले ऑप्टिमक्स रोबोट का फर्स्ट वर्जन कंपनी ने शेयर किया था। अब एलन मस्क ने ट्विटर पर ऑप्टिमक्स का Gen 2 वीडियो शेयर किया है। पहले जेन के मुकाबले इस बार कंपनी ने रोबोट को और बेहतर तरीके से ट्रेन किया है। साथ ही इसके साथ और गर्दन पर भी काम किया गया है, जिससे ये एकदम इंसानों की तरह मूवमेंट करता है। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2024 को लेकर जरूरी नोटिस जारी किया है। वे कैंडिडेट जो इस एग्जाम में भाग ले रहे हैं, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए SSC के आधिकारिक वेबसाइट का पता ssc.nic.in है। इस नोटिस में SSC ने GD कांस्टेबल के कैंडिडेट से प्रार्थना की है कि वे अंतिम तारीख यानी 31 दिसंबर 2023 के बहुत पहले ही आवेदन पत्र जमा कर दें। चंद्रयान 3 मिशन की अपार सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी लगातार नए मुकाम हासिल करने में जुटी हुई है। सबसे पहले इसरो ने सूर्य मिशन के लिए Aditya LA की लॉन्चिंग की, वहीं अब मानव मिशन गगनयान पर इसरो का फोकस। इस मिशन के तहत एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इससे भारत के पहले मानव मिशन के रिहर्सल के तौर पर भेजा जा रहा है। गगनयान मिशन की तैयारी में इसरो बहुत पहले से काम कर रहा है। विक्रांत मैसी स्टारर 12वीं फेल बॉक्स ऑफिस पर लगातार धूम मचा रही है। मूवी विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी है। इस फिल्म की कहानी एक IPS अधिकारी की जिंदगी और उसके स्ट्रगल पर आधारित है। 13 दिसंबर को इस मूवी ने थिएटर्स में 50 दिन पूरे कर लिए है। दरअसल 12वीं फेल 27 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। उसी समय से सलमान खान की बहुचर्चित Tiger 3 और रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर एनिमल जैसी फिल्में भी कमाल कर रही है। बावजूद इसके 12वीं फेल ने देश भर में 51.81 करोड़ रुपए और विदेशों में 64.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। संयुक्त राष्ट्र में बुधवार को भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने UN के कामकाज के तरीकों और इसके सीमित ढांचे को लेकर निशाना साधा। अलग अलग देशों के बीच विवादों को कम करने के मुद्दे का जिक्र करते हुए कंबोज ने कहा, 2009 के बाद से जिस तरह हम देशों के बीच अलगाव को पाटने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दों पर सम्मेलन के लिए कोशिश बढ़ा रहे हैं, अब उसी तरह अंतरा सरकारी समझौते के 15वें साल में पहुंचने के साथ मेरे और मेरे प्रतिनिधिमंडल का यह मानना है कि हम नई बोतलों में पुरानी शराब रखकर नए नतीजों की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि केवल बातचीत ही हमें आगे तक ले जा सकते हैं। संदीप रेड्डी बांगा की लेटेस्ट डायरेक्शनल फिल्म एनिमल देश और यूपुरी दुनिया के सिनेमाघरों में धुआंधार परफॉर्म कर रही है। फिल्म में रणबीर कपूर और बॉबिल देवल सहित तमाम कलाकारों की दमदार एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। हालांकि फिल्म के कुछ कट्स के साथ थिएट्रिकल रिलीज हुई थी। इनमें रणबीर कपूर और बॉबी देवल का किस सीन भी कट कर दिया गया था, लेकिन फिल्म को OTT पर अनकट रिलीज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे तमिलनाडु के 6 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के कांके संथुराई क्षेत्र के पास श्रीलंकाई नौसेना ने उनके ट्रॉलर सहित हिरासत में ले लिया। श्रीलंकाई नौसेना के अनुसार मछुआरे कथित तौर पर अवैध शिकार में शामिल थे। बता दें कि स्थानीय मछुआरों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए और विदेशी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों की तरफ से अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ श्रीलंकाई जल में नियमित गश्त और अभियान चलाया जाता है। इसी गश्त के दौरान श्रीलंकाई नौसेना ने श्रीलंका में कांके संथुराई क्षेत्र के पास उनके ट्रॉलर सहित हिरासत में लिया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना सोचे समझे भारत सरकार पर हत्या का आरोप मढ़ दिया था। इस पर उनकी चारों ओर तीखी आलोचना हुई। ऐसे में अब जस्टिन ट्रूडो ने अब जाकर बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर क्यों लगाया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि खालिस्तान समर्थक एक अलगाववादी नेता की हत्या में भारत सरकार के संभावित संबंध के बारे में सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने से उनके निर्णय का मकसद उन्हें ऐसी कार्रवाई को दोहराने से रोकना था।
वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 14 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की थोक मुद्रास्फीति मार्च 2023 के बाद पहली बार ऋणात्मक स्थिति से बाहर निकल गई और नवंबर में बढ़कर 0.26% हो गई। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में -0.52% और नवंबर 2022 में 6.12% पर थी। थोक मुद्रास्फीति की दर नवंबर महीने में 0.26% रही, जो 8 महीने में सबसे अधिक है। आईपीएल का अगला सीजन यानी आईपीएल 2024 के लिए 19 दिसंबर को ऑक्शन का आयोजन होने वाला है। इस बार का आईपीएल ऑक्शन दुबई में आयोजित किया जाएगा। इस ऑक्शन में भारत में दुनिया भर के कई खिलाड़ी भाग लेंगे। दरअसल इस बार दर्शक आईपीएल ऑक्शन को अपने घर में या कहीं से भी अपने मोबाइल फोन पर बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं। यह फ्री सेवा जियो सिनेमा की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। दक्षिण पूर्व एशिया की कई सरकारें कोविड 19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए अभी से उपाय करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एयरपोर्ट पर तापमान स्कैनर और लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकारों का लक्ष्य है कि इस प्रकार की प्रिकॉशन से भी कीटाणुओं को फैलने को रोक सकते हैं। इस प्रकार के उपायों से इन देशों के लोग बहुत चिंतित है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं एक बार फिर से 2020 का वह दौर नहीं लौटाए जो कि महामारी की शुरुआत में हुआ था। इस बीच सिंगापुर के वाइस प्रेसिडेंट लॉरेंस वोंग ने कहा कि ये सब झूठ और अफवाह है कि एक बार फिर 2020 का दौर लौट आएगा। भारत सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर लगाए गए बैन के बाद से अरब देश यूएई में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। यूएई के खुदरा विक्रेताओं के मुताबिक भारत द्वारा प्याज निर्यात पर लगाए गए बैन के बाद से देश में प्याज की कीमतें 6 गुना तक बढ़ गई है। भारत के खुदरा बाजार से प्याज 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। घरेलू कीमतों पर काबू पाने और इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत ने अगले साल मार्च तक प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। 8 दिसंबर को विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि 31 मार्च 2024 तक प्याज निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा। वित्त वर्ष 2024 के आखिर तक भारत के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का कुल कर्ज 35% से ज्यादा होगा। इसका सीधा अर्थ है कि देश के ये 12 राज्य कर्ज लेने में अव्वल है और प्रदेशों के कुल कर्ज का 35% इन्हीं के ऊपर है। बड़ी बात यह है कि बिहार जैसे गरीब राज्य ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य भी इस लिस्ट में शामिल है जो संपन्न कहे जाते हैं, लेकिन देश की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कर्ज का बड़ा हिस्सा इनके ऊपर है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है और यह मुहूर्त ग्रहों की दशाओं के आधार पर तय किए जाते हैं। ऐसे में खड़मास का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस दौरान 30 दिनों तक शादी विवाह मुंडन गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। खड़मास को मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, इसलिए अगर आप भी कोई शुभ कार्य करने वाले हैं तो खड़मास शुरू होने से पहले ही निपटा लें। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर एक टैक्सपेयर की जिम्मेदारी होती है और समय सीमा चूकने के कई तरह के परिणाम हो सकते हैं। अगर आप भी समय सीमा चूक गए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि आपके पास अभी भी 31 दिसंबर 2023 तक का विलंबित इनकम का रिटर्न दाखिल करने का मौका है। भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक समय सीमा तय करता है। आमतौर पर 31 जुलाई के आसपास इस समय सीमा को पूरा करने में विफलता के कई परिणाम हो सकते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगने के बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत नई संसद के बने 6 द्वार से अलग अलग वीवीआईपी की एंट्री होगी। नए फैसले के तहत संसद के गज द्वार से प्रधानमंत्री, हंस द्वार से लोकसभा स्पीकर, अश्व द्वार से राज्यसभा चेयरमैन, मकर द्वार से सांसद और मंत्रियों की एंट्री होगी। इसके अलावा शार्दुल द्वार से राज्य के मुख्यमंत्री और अधिकारी, जबकि गरुड़ द्वार से मीडिया कर्मियों की एंट्री होगी। बता दें कि संसद में बुधवार की घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल का नया रूप दिया गया है, जिसमें सांसदों, स्टाफ सदस्यों और प्रेस के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार आवंटित किए गए हैं। यदि आपका भी आधार कार्ड 10 साल पुराना है या पिछले 10 साल में आपने एक बार भी आधार को अपडेट नहीं कराया है तो आपके लिए बड़ी खबर है। आज यानी 14 दिसंबर को आधार फ्री में अपडेट कराने का आखिरी मौका था, लेकिन सरकार ने इसे 3 महीने तक बढ़ा दिया है। यूआईडीएआई ने अपने एक नोटिफिकेशन में कहा कि आधार अपडेट में पिछले कुछ महीनों में काफी इजाफा देखने को मिला है, जिसे देखते हुए हमने फ्री में आधार अपडेट की तारीख को बढ़ा दी है। अब अगले 3 महीने तक यानी 14 मार्च 2024 तक आधार को फ्री में अपडेट कराया जा सकता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रनु गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौशद राजा, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, धनंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लिया है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।